उधमपुर के दार रोड से इस वक्त एक दुखद समाचार जो है सामने आ रही है। बता दें आपको, हॉस्पिटल गेट के बिल्कुल सामने जहां पर सुबह एक एक्सीडेंट होता है, आप देख सकते हैं स्कूटी और इको के साथ जो है एक्सीडेंट हुआ, और कहा ये जा रहा है कि एक व्यक्ति की जो है इस हादसे में जान चली गई। आप देख सकते हैं स्कूटी की बात करें JK14D7121, और अगर इको की बात करें तो जहां पर आप देख सकते हैं ये हादसा जो है पेश आया है उधमपुर के धार रोड में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर की बात करें उसके सामने ये धार रोड है, गेट के बिल्कुल अपोजिट साइड जहां पर ये हादसा पेश आया है। ये इको वैन और इस स्कूटी के बीच में टकराव होता है और एक व्यक्ति जो है जिसकी जान इसमें चली जाती है। कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद समाचार है ये जो उधमपुर के धार रोड से इस वक्त पेश आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो जिसकी डेथ हुई है वो उधमपुर का लोकल है, और आप देख सकते हैं हादसे में सुबह सुबह का समय होता है, सबको जल्दी होती है जैसे स्कूल का टाइम होता है, लेकिन इस तरह से ये हादसा पेश आया है एक स्कूटी और एक इको के बीच में ये टकराव हुआ और जिसमें एक की जान चली गई। यहाँ पर तमाम ये देख सकते हैं धार रोड के ये विजुअल है, अभी थोड़ी ही देर पहले जहाँ पर पुलिस भी पहुँची थी, जिसकी डेथ जिसको ये इंजरीज आई थी उसको हॉस्पिटल लिया गया, लेकिन वहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया गया है। आप विजुअल में साफ तौर पर देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही ये हादसा जहाँ पर उधमपुर के दार रोड में पेश आया है। हालांकि आप देख सकते हैं दूसरी तरफ पुलिस की गाड़ी भी जहाँ पर खड़ी है। पहले ये हादसा जहाँ पर पेश हुआ उधमपुर के दार रोड के ये विजुअल हैं। आप लोग भी जो लोग सुबह ड्राइव करते हैं कम से कम रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंजाम कुछ और भी हो सकता है, जल्दी के चक्कर में आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर आप देख सकते हैं ये उधमपुर के दार रोड में ये हादसा पेश आया जहाँ पर काफ़ी बुरी खबर जो है उस वक्त उधमपुर के धार रोड से पेश आ रही है। बता दें वार्ड नंबर बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी कि अगर एसोसिएटेड जीएमसी की बात करें उसके सामने के ये विजुअल है, आप देख सकते हैं इसके सामने दिखाने चाहूँगा, वो सामने बिल्डिंग जो है जीएमसी की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं धार रोड पर ये हादसा हुआ। ये इको की नंबर प्लेट भी आप देख सकते हैं जहाँ पर निकल कर सब बाहर आ गई है। काफ़ी दर्दनाक हादसा जी जहाँ पर पेश आया है। सुबह का समय है, सभी को जल्दी होती है, स्कूल का टाइम होता है। हालांकि एक और अपील करना चाहूँगा उधमपुर पुलिस से कि जहाँ पर जो भी मेटाडोर्स जो चलती हैं वो भी काफ़ी स्लो चलती है टाइम, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जैम जैसी स्थिति जहाँ पर उत्पन्न होती है, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल जहाँ पर आप देख सकते हैं उधमपुर पुलिस जहाँ पहुँची थी उसके बाद जो ये हादसा जो इसमें जो भी इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और जिसकी जिनमें से एक को जो है मृत घोषित कर दिया गया है। स्कूटी आप देख सकते हैं क्या हालत हुई है, अभी तक ये कन्फर्मेशन नहीं है कि जिसकी डेथ हुई है वो स्कूटी सवार था जहाँ इस इको वैन पे था, लेकिन इतना है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि एक ने इस हादसे में जान गंवाई। फिलहाल आप देखते रहिए अली टाइम्स के लिए।